हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ईडी भी अपना काम दूसरी तरफ कर रही है। सीबीआई यहाँ अपनी जांच शुरू कर चुकी है। ईडी ने पूछताछ के लिए रूमी जाफरी को समन किया है। देखिए, ये दूसरी बार जब ईडी ने फिल्मकार रूमी जाफरी को बुलाया है। कल ईडी ने एक बार फिर रूमी जाफरी को बुलाया है पूछताछ के लिए। और रूमी जाफरी के बारे में आपको ये बता दें कि रूमी जाफरी दरअसल प्लान कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती के साथ एक फिल्म करने का। और इन दोनों के, सुशांत के भी और रिया चक्रवर्ती के भी, बेहद करीबी बताए जाते हैं रूमी जाफरी। और इसीलिए रूमी जाफरी से ईडी पूछताछ करने वाली है। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, रूमी जाफरी को समन किया गया है ईडी की तरफ से? बिल्कुल रुबिका, मैं आपको बता दूं, रूमी जाफरी से इसके पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन में 23 जुलाई को मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी, क्योंकि सुशांत को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे। लिहाजा अब ईडी उनसे पूछताछ करना चाह रही है और उनसे सुशांत के आंतरिक हालातों के बारे में जानकारी लेना चाह रही है, क्योंकि सुशांत ने अगर अपने आर्थिक स्थिति को लेकर बात की होगी तो रूमी जाफरी से भी की होगी, ऐसा ईडी का मानना है। और यही कारण है रूमी जाफरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें कल ईडी दफ्तर में पेश होना है। रूबिका, तो मतलब ईडी पहली बार पूछताछ करेगा रूमी जाफरी से, आप ये यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं? ओम प्रकाश, नहीं, बांद्रा पुलिस ने पहले किया था वो, बांद्रा पुलिस ईडी पहली बार कर रहा है ना इस पूरे मामले में? ओम प्रकाश, बिल्कुल, ईडी ने पहली बार रूमी जाफरी को समन जारी किया है। इसके पहले बांद्रा पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी और ईडी उनसे कल पहली बार पूछताछ करेगा। लेकिन जिस तरीके से आप हमेशा दर्शकों को ये जानकारी देते हैं कि ईडी के जुरिस्डिक्शन में एक तरीके से जो पैसे के लेन देन का मामला होता है वही होता है, ऐसे में रूमी जाफरी को यहाँ पर बुलाना किस भूमिका में, ये कुछ पता चल पा रहा है? क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि रूमी जाफरी वो शख्स है जो सुशांत को लेकर फिल्म बनाने वाला था। रूमी जाफरी वो शख्स हैं जिनसे ऐसा ईडी को अंदेशा है, जिनसे संभवतः सुशांत की लंबी बातचीत हुई रही होगी मरने के पहले, उनकी मौत के पहले, और हो सकता है उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी उनसे बातचीत की हो, क्योंकि जब एक निर्देशक और एक अभिनेता के बीच में बात होती है तो काफी कुछ लेन देन को लेकर वगैरह कोई भी लेकर बात नहीं होती है। इस लेन देन में भी ये दोनों कैरेक्टर आते हैं ना, सुशांत सिंह राजपूत भी, ओम प्रकाश आते हैं और रिया चक्रवर्ती भी आते हैं, क्योंकि रूमी जाफरी जो फिल्म बना रहे थे वो फिल्म तो इन दोनों को ही लेकर थी और एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका नाम तय नहीं हुआ था, तो जरूर लेन देन, पैसा और इन सब पर बातचीत हुई होगी और इसीलिए रूमी जाफरी को ईडी ने समन किया। अच्छा, और ये भी देखिए ना, ईडी ने जब श्रुति मोदी से बीच में पूछताछ की थी तो एक बड़ी बात जो श्रुति मोदी ने कही थी, जिसके बारे में ओम प्रकाश ने पहले हमें जानकारी दी थी, वो ये कि अब मैं नहीं देखती थी सुशांत सिंह राजपूत का काम, जितना उनका काम है वो सब रिया चक्रवर्ती देखती थी, मतलब जो प्रोड्यूसर्स से पैसे की लेन देन के काम है वो भी रिया चक्रवर्ती देख रही थी। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है ईडी का रूमी जाफरी को बुलाना। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से इस मामले में फैसला आया, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस पर एक विस्तार से रिपोर्ट जरा देखिए पहले। अब सीबीआई पता लगाएगी सुशांत की रहस्यमय मौत का सच। सुप्रीम कोर्ट ने आज 35 पेज का फैसला सुनाया और सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सुशांत का परिवार और उनके फैंस काफी दिनों से ये मुहिम चला रहे थे कि सुशांत का केस सीबीआई को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट किया, भगवान का शुक्रिया, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, ये सच जानने की तरफ पहला कदम है, सीबीआई पर पूरा भरोसा है। अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत की मौत का केस सीबीआई को सौंप दिया है, सच जरूर सामने आएगा। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तस्वीर शेयर की और लिखा कि सच जीतेगा। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, इंसानियत की जीत, सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ने वाले हर योद्धा को बधाई, पहली बार मैंने सामूहिक चेतना की शक्ति को महसूस किया है। अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया और लिखा, जय हो। सुशांत केस में सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस में तनातनी चल रही थी। कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दे और महाराष्ट्र सरकार को इस आदेश का पालन करना होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार पुलिस इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने में पूरी तरह सक्षम है।
अंकित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अंकित देखिए, जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं उनको एक बात समझना जरूरी है और मैं चाहती हूँ आप उस बात को समझाएं थोड़ा आसान शब्दों में। 66 दिन हो चुके, 66 डेज, क्या कुछ अब तक सामने आया है और क्या नहीं आया है जो सीबीआई लाएगी? रूबिका, सबसे पहले हमको ये समझना होगा सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है लेकिन वो अपनी जांच कहां से आगे बढ़ाएगी। शुरुआती जो जांच की है वो मुंबई पुलिस ने की है। मौका वारदात पर कौन पहुंची? मुंबई पुलिस पहुंची। पंचनामा किसने तैयार किया? मुंबई पुलिस ने तैयार किया। जो शुरुआती जो ये कहा जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो मुंबई पुलिस के पास आई। शुरुआती जांच किसने की है? मुंबई पुलिस ने की है। तो ऐसे में अब जो केस ट्रांसफर होगा मुंबई पुलिस के पास से सारे जो दस्तावेज आएंगे वो मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच के आधार पर होंगे। लेकिन पेंच कहां पर है जिसको लेकर के परिवार लगातार सवाल उठा रहा था और सीबीआई जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना कि जो अभी जो ओम प्रकाश ने भी बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसमें एक पंचनामा भी है। पंचनामा जिसमें यह बताया गया है कि सुशांत और जो पंखे से जहां उनकी डेड बॉडी थी वहां पर पंखे की ऊंचाई और बेड की ऊंचाई जहां पर सुशांत खड़े हुए थे वो करीबन 5 फुट 10 इंच की थी। तो ऐसे में सुशांत की जब खुद हाइट 5 फुट 10 इंच है तो फिर वो सुसाइड कैसे कर सकते हैं, पंखे में लटक कैसे सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनको लेकर के परिवार लगातार सवाल उठा रहा था। लेकिन मुंबई पुलिस परिवार का कहना है कि उन पहलुओं पर जांच ही नहीं कर रही थी। जब ऐसे बेसिक सवाल परिवार को दिख रहे थे जो मीडिया के सामने उठ रहे थे तो आखिर मुंबई पुलिस जांच क्यों नहीं कर रही थी? तो ऐसे में जब जो केस ट्रांसफर होगा तो निश्चित तौर पर सीबीआई जो रिकंस्ट्रक्ट करेगी जिसका भी आप लोग जिक्र कर रहे थे, ओम प्रकाश तिवारी ने भी जो जानकारी दी है सीबीआई जब। अब ऐसे में एक और सवाल जो जहन में आता है वो ये कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई? 66 दिन बीत चुके हैं ना अंकित, अब कई चीजें हट चुकी होंगी, कई चीजें मिट चुकी होंगी, कई चीजें दबा दी गई होंगी, कई चीजें गायब कर दी हो गई। 66 डेज, लगभग आप समझ लीजिए 2 महीने ऊपर निश्चित तौर पर। और ये आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि सीबीआई ऐसा नहीं है कि पहले दिन से जांच शुरू कर रही है। सीबीआई आज 66 दिन बाद जो है एक तरीके से जांच को उसको अनुमति मिली है और यहां से वो अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस की जांच जो शुरुआती तौर पर है, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, जो मौका वारदात से जो गवाह जिनका जो है जिक्र लगातार परिवार कर रहा था उन सबके बयान अब तक उस तरीके से नहीं दर्ज किए गए हैं। और मौका वारदात के सबूत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी, जब अगर हम क्रिमिनल केस की बात करते हैं जब अदालत में मामला जाता है वो सबूत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और यहां पर किसने वो इकट्ठा किए हैं? मुंबई पुलिस ने, जिसकी जांच के ऊपर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में सीबीआई के लिए निश्चित तौर पर जांच आगे बढ़ाना एक पेचीदा काम होगा। लेकिन इसी वजह से तो सीबीआई को दिया गया है कि आप सिरे से पता लगाइए कि आखिर सच्चाई क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी इस बात का जिक्र किया है कि निष्पक्ष जांच इसलिए जरूरी है जिससे कि लोगों का कानून, जांच एजेंसी और अदालत में विश्वास बना रहे। और ऐसे में अंकित गुप्ता सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मोटिव। चुनौती सबसे बड़ी सीबीआई को अपनी इस जांच में उस मोटिव का पता लगाना ही होगा, चाहे सुसाइड हो या फिर हत्या हो, वजह क्या, मोटिव क्या, यही सबसे बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब सीबीआई तलाशना चाहेगी। निश्चित तौर पर वो मोटिव को लेकर ही जो जांच आगे बढ़ाई जाएगी। और इसी वजह से जो आप डायरी का पन्ने का जिक्र कर रहे थे कि डायरी सुशांत लिखते थे लेकिन उसमें से ओम प्रकाश ने बताया कि कुछ पन्ने फटे हुए थे, तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर सीबीआई की खास तौर पर नजर होगी। इतना ही नहीं, अब जबकि परिवार का, क्योंकि उनके जो पिता से जो है प्रवर्तन निदेशालय बात कर चुका, बयान दर्ज कर चुका है, लेकिन सीबीआई अब जब परिवार वालों से बात करेगी तो परिवार वाले आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती तो पहली सस्पेक्ट है ही, लेकिन अब दूसरा नाम उन्होंने जोड़ा है सिद्धार्थ पिठानी का। और इस वजह से परिवार का ये कहना है कि रिया के अलावा सिद्धार्थ पिठानी को भी आरोपी के तौर पर देखा जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही कमरे का दरवाजा खुलवाया था लेकिन चाबी वाले को पहले बाहर छोड़ के आया और उसके बाद में कमरे के अंदर दाखिल हुए। तो कई ऐसे सवाल जिनका जवाब यहां पर सीबीआई को ढूंढना होगा और मोटिव उसमें से एक बड़ा सवाल होगा। देखिए आप दर्शकों को, सुशांत सिंह राजपूत केस में गवाह जो कोई भी हैं अब तक सामने आए हैं वो कितना महत्वपूर्ण किरदार और रोल प्ले कर सकते हैं इस रियल लाइफ में, ये समझना चाहिए। देखिए जो गवाह हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के जरिए वो जो मोटिव जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो सामने आ सकता है। और ऐसे में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण गवाह हो सकते हैं जिनके बूते पर सीबीआई जो है वो इस गुत्थी को सुलझा सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर क्या है सुशांत की मौत का सच? आखिर क्या है सुशांत का वो रहस्य जो अब तक सामने
नहीं आ पाया है। कौन है वो लोग जो सुशांत को इंसाफ दिलवा सकते हैं? ये वो गवाह हैं जो सुशांत के केस में सबसे अहम है। सुशांत के केस में उनके हाउसकीपिंग स्टाफ और निजी बॉय के तौर पर काम करने वाले नीरज सिंह की गवाही काफी अहम होगी। नीरज सुशांत की मौत के दिन तक उनके घर पर काम कर रहे थे। नीरज ने ही दरवाजा तोड़े जाने के बाद सुशांत के शव को पंखे से लटके देखा था। ताला तोड़ा तो फिर आपने क्या देखा? कितने लोग थे? बहन भी थी वहाँ पर, मीतू आ चुकी थी। बहन अभी पहुंची नहीं थी, वो रास्ते में ही थी। हाँ। तो सिद्धार्थ गया, उसके पास दीपेश गया। सिद्धार्थ जाने के बाद तो बिल्कुल ऐसे देखने के बाद तो सिद्धार्थ बाहर आ गए एकदम घबरा के। तो हमने कहा ऐसा क्या होगा? तो फिर हमने भी दीपेश ने देखा, तो दीपेश के ऊपर से मैंने भी देखा कि देखा तो फिर बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगा कि सर पंखे में बिल्कुल लटके पाए गए। तो हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि कुछ सेकंड के लिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये है सुशांत के दोस्त गणेश हिरवाकर, जिनसे सुशांत की दोस्ती उन दिनों से थी जब सुशांत स्टार नहीं एक बैकग्राउंड डांसर थे। गणेश का दावा है कि सुशांत का मर्डर किया गया है। जो सोर्स है जिसने मुझे बताया है, तो ये सब मैं प्रोवाइड करूंगा इन्फॉर्मेशन सीबीआई में। मैं रेडी हूँ सीबीआई के पास जाने को, मैं जरूर जाऊंगा। गणेश का तो यहाँ तक कहना है कि दिशा की मौत को लेकर सुशांत बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनकी हत्या ही हुई है, सुशांत की हत्या ही हो सकती, सुसाइड तो वो कर नहीं सकता, ये पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ। सुशांत का एक फ्रेंड है संदीप सिंह, उनकी टीम में मेरे एक फ्रेंड काम करता है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। ये पूरा जो दो मर्डर का प्लान है, ये सिर्फ तीन फोन कॉल में डिपेंड है। दिशा टू सुशांत, सुशांत टू संदीप, संदीप टू देम। ये तीन फोन कॉल में पूरा प्लान। गणेश का तो यहाँ तक कहना है कि सुशांत के कई करीबी जानते थे कि सुशांत के सीने में ऐसे कई राज दफन थे जिनके बाहर आने पर बवाल हो सकता था। दिशा जब पार्टी में थी जिस दिन उसका मर्डर हुआ, तो उसको थोड़ा सा पहले पता लग गया था कि उसके साथ कुछ गलत होगा, तो उसने ये फोन करके इन्फॉर्मेशन दे दी कि सुशांत को। लेकिन थोड़े देर बाद सुशांत को पता चला कि दिशा का मर्डर हो गया, कि और सुसाइड बता रहे लोग। तो सुशांत इंसाफ को, इंसाफ पसंद लो आदमी था, वो इंसाफ के लिए लड़ सकता था, मर सकता था किसी के भी इंसाफ के लिए। तो उसने यही कोशिश की कि मैं मीडिया बुला लेता हूँ और ये सब नाम रिवील कर देता हूँ। तो फिर सिर्फ ये बात उसने संदीप सिंह को बताई और संदीप सिंह ने उन लोगों को बता दी। तो फिर ये प्री प्लान मर्डर उन्होंने 13 जून को प्लान किया। अभी रात को 13 जून को हुआ है या 14 जून को, जो टाइम बता रहे उसमें हुआ है। लेकिन अब ये तो डेथ सर्टिफिकेट में भी टाइम गायब है। अब ये दो पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ मर्डर का टाइमिंग। सुशांत केस में उस एम्बुलेंस के मालिक की गवाही भी अहम है जिससे सुशांत की लाश को ले जाया गया। उस एम्बुलेंस के मालिक का कहना है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर और स्टाफ ने सुशांत के शव को फंदे से लटका नहीं देखा, जबकि कहा तो यही गया कि सुशांत ने फंदे से लटक कर आत्महत्या की है। उन्होंने स्ट्रेचर पे रैक्सिन पे बॉडी लिया, एम्बुलेंस में लाके रखा, उनको कहा गया कूपर लेके जाइए, तो कूपर लेके जाके छोड़ दिया। बस इतना हमारा काम था। मोस्टली वो जब पहुंचा तब बॉडी नीचे ही थी, बिस्तर पे ही थी, और उसके बाद उन्होंने उठा के एम्बुलेंस में डाला और लेके गया। सीबीआई की जांच अपने हाथों में लेने के बाद अब एक एक गवाह नए सिरे से बोलेगा, नए तरीके के सवाल अब उनके सामने रखे जाएंगे। आप एक तरफ तो फाइनेंशियल डिप्रेशन, ये दो शब्द तो घूम ही रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द, एक और है और उसका नाम है नेपोटिज्म, यानी जो ये गैंगबाजी चलती थी बॉलीवुड में। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को किसी चीज का डर था कि उनका करियर वरियर खत्म हो जाएगा? इसे लेकर भी सीबीआई जब जांच करेगी तो कहीं ना कहीं टटोलने की कोशिश करेगी, और इससे जुड़े गवाह जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं, मुखर होकर बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इस पर भी एक रिपोर्ट। अब सुशांत के जिम पार्टनर की गवाही सुनिए, जिनका कहना है कि सुशांत काफी परेशान थे। उन्हें लगता था कि कुछ बड़े स्टार जानबूझकर उनका करियर खत्म करना चाहते थे। क्रोनोलॉजी वाइज दिखाता हूँ जो सुशांत ने बताया, और वो सिद्ध होता है।
कि ये पिक्चर को लाना ही नहीं था और सुशांत को एमएस धोनी की हिट के बाद उसको ऑक्यूपाइड करके रखना था ताकि वो और कोई पिक्चर ले नहीं, क्योंकि जो भी पिक्चर उसको मिलती थी उसको करण जौहर को अपडेट करना पड़ता था कि ये पिक्चर आ रहा है, तो करण जौहर बोलता है नहीं ले सकता है, मेरा ये ड्राइव होना चाहिए, ये अब्रॉड में शूटिंग हो रहा है, मेरे टाइम किसी और को तू नहीं दे सकता है। तो इंटेंशियली इसको कोई और पिक्चर ना मिले, ये काम नहीं कर सके, इसका करियर खत्म हो, ये करण जौहर और सलमान खान ने मिलके किया, मेरा यही कंप्लेंट है डिटेल में प्रूफ के साथ जो मैंने कोर्ट में भी डाला, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन फाइल किया। सुनील शुक्ला की माने तो बॉलीवुड में कदम कदम पर भेदभाव और गुटबाजी ने सुशांत को काफी परेशान कर रहा था, वो घुट घुट कर जी रहे थे। तो मुंबई पुलिस में निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, बहुत लोग इसमें आएंगे, खुलासा होंगे, बॉलीवुड वाले तो 100% सलमान खान और मैं करण जौहर में ओपन अभी भी बोलता हूँ, अगर ये मर्डर है या तो मारा गया है या तो सुसाइड है, सुसाइड यानी किसी को आपने उस तरीके से किया कि आदमी एक वो कदम उठा ले, तो मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, ये जांच केवल सीबीआई करेगी, ये मेरा इंटरवेंशन एप्लीकेशन में है। और हकीकत में जो रिजर्व ऑर्डर आएगा मैं ये मानता हूँ ऊपर वाला परमात्मा यही देगा कि सीबीआई की इसमें। सुशांत और उनके करीबी दोस्त कुशल झवेरी के बीच आखिरी बार 1 और 2 जून को व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत हुई थी, यानी सुशांत की रहस्यमय मौत से करीब 12-13 दिन पहले। कुशल ने उस चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया है कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे, बल्कि वो खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रहे थे। पहला मैसेज सुशांत ने 1 जून को किया था, जिसमें लिखा था, कैसा है भाई, आप स्वस्थ हैं और कमाल कर रहे हैं, तुम्हारी याद आती है, जय शिव शंभु सुशांत। इस मैसेज का जवाब कुशल झवेरी ने 2 जून को दिया था। जवाब में कुशल ने लिखा था, तुम्हारे बारे में जानकर अच्छा लगा, मेरी सेहत भी ठीक है, लेकिन जीवन में संघर्ष सबके लिए है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। कई साल तक सुशांत के साथ काम कर चुके अंकित आचार्य पहले दिन से ही सुशांत की मौत को मर्डर करार दे रहे हैं। तो सामने बात आ रही है कि रूम लॉक था, सुसाइड हो गया। अच्छा ठीक है, सुसाइड हो गया, चलो मानते हैं, बट रूम तो लॉक नहीं कर सकते ना, रूम कभी लॉक करते नहीं थे वो सोचते समय। मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच, निवेदन है आपसे सीबीआई जांच कीजिए, उनको बहुत दुख है क्योंकि मतलब उनका जानना है कि कौन कातिल है, पकड़ना है, मतलब पकड़ना है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्लीज मोदी जी। अशोक खासू साल 2016 से सितंबर 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के घर में कुक थे। अशोक का आरोप है कि सुशांत के घर में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का बहुत ज्यादा दखल था और रिया के कहने पर ही साल 2019 के सितंबर महीने में इन्हें कुक की नौकरी से हटा दिया गया था। डिप्रेशन की तो उसका नामो निशान नहीं था, और मुझे सुनने में आया था पहले स्टार्टिंग में जब वो हॉस्पिटल में गए थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, तो उस टाइम बोला गया था कि डेंगू है, तो डेंगू के हिसाब से आप 3-4 महीने तक वो बेडलेस हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसको क्या डेंगू था या और कोई बीमारी थी। बाद में जब एंड टाइम में अभी पता चल रहा है कि उसको ये डिप्रेशन का बीमारी था, और डिप्रेशन का बीमारी होता तो 5-6 महीने से ये बात क्यों छुपाया गया था कि बाहर क्यों नहीं आने दिया, ना तो उनके पेरेंट्स लोग को पता है, उनके फैमिली वालों को किसी को पता नहीं है कि उसको डिप्रेशन वगैरह सब चीज़ें नहीं हुआ, तो मुझे डाउट इसी में है कि उसको डिप्रेशन हुआ क्या है। सुशांत के साथ साई की तरह रहने वाले उनके स्पॉट बॉय का कहना है कि रिया के आने के बाद सुशांत के करीबी लोगों को एक एक करके नौकरी से हटा दिया गया। एक साल जब रिया आने के बाद स्टाफ चेंज होने लगे, अब उस टाइम पे बदलाव मैंने देखा। अच्छा। रिया जब आई तो उन्होंने कितने स्टाफ लगभग चेंज कर दिया? काफी स्टाफ चेंज हुए, ऐसा तो गिनती बता नहीं सकता ध्यान कितने हैं, लेकिन स्टाफ चेंज हुए, उनके घर से लेके ऑफिस तक भी चेंज हुए। रिया का व्यवहार सही नहीं था। किस तरह का? क्योंकि उनके आने के बाद सब उल्टा हो रहा था, कि उनके इशारों पे काम हो रहा था। मेरे जब तक मैं था तब तक दवाई कोई खाते नहीं थे, कोई दवाई नहीं खाते। किसी वक्त साई की तरह सुशांत के साथ रहने वाले उनके बॉडीगार्ड नवीन तलवी ने बताया कि सुशांत तो अपने सपनों को डायरी में लिखा करते थे और एक एक करके उन्हें पूरा कर रहे थे।
जब तक हम थे तब तक तो डिप्रेशन नहीं था और उनके कुछ ड्रीम्स थे, जैसे उन्होंने उनके पास डायरी थी एक, जो डायरी में वो उनके सपने उन्होंने मेंशन किए थे, जैसे बकेट लिस्ट सपने के जाती है वो सपना धीरे धीरे एक पूरा कर दे, जैसे उनका एक डिज्नी का था, वो डिज्नी जाके आए, फिर उनका जाना था उनको, फिर उनको नासा का था, बच्चों को लेके जाना है वहां पर, उन्होंने वो भी कर लिया, और भी कुछ था उनका, तो वो पूरा करना चाहते थे, वो ऐसा नहीं था कि वो आदमी आधे में छोड़ के जाना है उनको। कुछ वक्त तक सुशांत के ड्राइवर रहे अनिल आदिवासी ने कहा उन्होंने कभी भी सुशांत को डिप्रेशन में नहीं देखा। अनिल आदिवासी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया था कि सुशांत कार से कहीं आते जाते वक्त पीयूष मिश्रा का गाया गीत एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां बार बार सुना करते थे और ये गाना उनके दिल के बेहद करीब था। सर मेरे को याद है सर, गाड़ी में जब भी बैठते थे उनका एक स्पीकर हुआ करता था, तो वो स्पीकर में साहब एक गाना सुनते थे जो रिपीट कर करके सुनते थे, 10 टाइम सुनते थे। वो गाना यही है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, और इतना तो नहीं याद है मगर ये गाना लगा के वो कम से कम 10 टाइम सुनते थे। ये मेरे को उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बहुत याद है कि 10 टाइम सुनना, उसमें तो कुछ होगा उनका।